भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15% है और इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से मत्स्य उद्योग, कृषि वानिकी, पशुधन एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि में महिलाओं की भूमिका पर अनुसंधान की जरूरतों को महसूस करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान यानी CIWA की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की। कृषिरत महिलाओं की आवश्यकता और गृह प्रबंधन की दिशा में अनुसंधान करना, ये संस्थान कृषिरत महिलाओं के लिए लगातार उन मुद्दों पर अनुसंधान करता रहा है जो सीधे महिलाओं को प्रभावित करती हैं। देश में जो भी महिलाओं के अनुसार जो भी योजना बने, कार्यशैली बने, उसकी देखरेख करने के लिए ये एक ही हमारे यहाँ अनुसंधान केंद्र है, इसीलिए इसका बहुत महत्व है। और यही एक केंद्र है जो कि सारे देश को निर्देश भी दे सकता है, पॉलिसी देता है कि किस तरह से हम महिलाओं को न केवल कागज़ों पर मगर वास्तव तौर पर उनको हम अपने संग कैसे लेके आगे बढ़ाएं। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान का उद्देश्य कृषि में महिलाओं संबंधी डेटाबेस तैयार करना, विभिन्न कार्यों में महिलाओं की मशक्कत का मूल्यांकन करके मशक्कत कम करने वाले औजारों और उपकरणों का विकास करना और उनमें सुधार करना है। साथ ही ये संस्थान ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान भी करता है, उनके श्रम को कम करने और कम समय में अधिक उत्पादन के लिए अनेक यंत्र बनाए हैं। मक्का से दाना निकालने की मशीन, मूंगफली से फली निकालने की मशीन, बीज साफ करने का यंत्र महिलाओं के बहुत काम आ रहा है। डिफिकल्टी होता है जो ड्रजरी होता है उसको कैसे काम करेंगे, फिर उनका काम का जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकता है। हम प्रोटेक्टिव मेजर्स भी यूज करते हैं जैसे एप्रन, कैप्रन, मास्क वगैरह, गॉगल्स भी, हाथ में ग्लोव्स डालकर कैसे खेतों में जाकर काम कर सकते हैं उसको भी हम प्रोत्साहन देते हैं। स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे, ये सब हम हेल्थ हाइजीन के ऊपर उनको बताते हैं। बागवानी में संस्थान ने किसानों को 6F मॉडल दिया है। 6F का मतलब है फल, भोजन, ईंधन, चारा, रेशा तथा वित्त। इस मॉडल से कृषक महिलाओं को वर्ष के अधिकांश महीनों में ताजा फलों व सब्जियों की प्राप्ति होती है। ये मॉडल अधिक रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराता है। इसको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं क्योंकि एक तो खासकर इससे क्या है ना कि इनकम ज्यादा होता है, तीसरी दूसरी चीज है कि इसमें रोजगार ज्यादा मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तो वर्ष पर्यंत इसमें हमें उत्पादन मिलता रहता है। हमारे देश में महिलाएं गौपालन के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाती हैं। संस्थान में एक ग्रास कैफेटेरिया बनाया गया है जिसमें करीब 30 विभिन्न प्रकार की चारा फसलों को प्रदर्शित किया गया है। पशुपालक महिलाओं में चारा उत्पादन की आवश्यकता एवं उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 30 किस्म का चारा लगाया गया जो कि बहुवर्षीय घास है। किसान भाई और महिलाओं सब आते हैं यहाँ से निःशुल्क चारा या घास का प्लांटिंग मटेरियल लेके बाहर लगाते हैं, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ता है और इसमें जब बहुत घास होता है उनका दाना का लागत कम होता है। संस्थान ने महिलाओं को मुर्गी पालन के लिए उन्हें उन्नत नस्ल की मुर्गियां उपलब्ध कराई हैं। संस्थान ने वैज्ञानिक विधि द्वारा खान पान, घर की व्यवस्था और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया है। इसका सुखद परिणाम ये आया है कि महिलाओं के लिए मुर्गी पालन एक वैकल्पिक व्यवसाय बन गया है और महिलाओं को सशक्तिकरण का सबक सिखा रहा है। महिला जब इसको रखे हैं तो उनको 8-10 मुर्गी से 4-5 महीना में 2-2.5 हजार रुपया का फायदा हुआ है और उससे उनका जो घर का खर्च, जो बच्चों का एजुकेशन हो या कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, उसको आराम से वो निभा सकते हैं। संस्थान के प्रयासों से मछलियों के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त अपशिष्ट को सरल विधि के द्वारा साइलेज में परिवर्तित करके उनका मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से भी छुटकारा मिलता है
मुर्गियों के आहार में मछली साइलेज के उपयोग से उत्पादन लागत में काफी कमी की जा सकती है। केंद्रीय कृषि रत्न महिला अनुसंधान संस्थान किसान और कृषक महिलाओं को रासायनिक उत्पादों और पदार्थों से परिचित कराने की दिशा में भी अहम काम कर रहा है। टिकाऊ कृषि का विकास पुरुषों और महिलाओं के बीच साझेदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। ये दोनों गाड़ी के पहियों की तरह हैं और एक साथ ही वे प्रगति की दिशा में बढ़ सकते हैं।